हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आज हम लोग जो है अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें करी थी और हमने जो है पिछले लेक्चर में बात किया था कि किस तरह से जो है हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और पोटेंशियल एनर्जी और किसी भी बार मैग्नेट पे लगने वाले टॉर्क को जो है किस तरह से जो है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमने पिछले वाले लेक्चर में की थी और ढेर सारी बातें जो है हमने इस पर किया था। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है एक जो आपका बार मैग्नेट होता है, इट इज़ अ इक्विवेलेंट टू द सोलेनोइड, किस तरह से ये सोलेनोइड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर मैंने तीन फिगर बना रखे हैं, तो ये तीनों फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप एक सोलेनोइड देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक सोलेनोइड बना हुआ है, इसके नीचे छोटे छोटे मैग्नेट्स बने हुए हैं और इसके नीचे एक बड़ा सा बार मैग्नेट बना हुआ है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो सोलेनोइड है, हम यहाँ पे रीजनिंग से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और मैथमेटिकल फॉर्म में दोनों से हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों वास्तव में जो है एक ही हैं, बस इनका जो है कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है और कॉन्सेप्ट लेकिन दोनों का क्या है, एक ही है। ठीक है, तो मैंने आपको इनिशियली ही बताया था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से कि जो है कोई भी करंट कैरिंग कॉइल जो होती है, एक करंट कैरिंग कॉइल जो है इट इज़ बिहेव लाइक अ टीनी मैग्नेट, एक छोटे से मैग्नेट की तरह काम करती है। और उसके लिए हम लोगों ने फेस रूल भी पढ़ा था कि किस तरह से जो है अगर आप क्लॉक वाइज करंट फ्लो हो रही है तो जो अपर फेस होगा वो साउथ होगा और जो डाउन फेस होगा वो जो है नॉर्थ पोल होगा, और ये पोल साथ में एग्जिस्ट करते हैं। एक मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको पिछली क्लास में भी समझाई थी कि जो पोल्स होते हैं दे आर इन द पेयर, वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर प्रोडक्शन करते हैं और पेयर के फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, नॉर्थ है तो वहां पे साउथ होगा, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो उतने नॉर्थ और साउथ क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। इसको हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट में क्या किया था, डिस्कस आउट किया था। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो देयर आर द नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स सोलेनोइड बेसिकली क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर ऑफ कॉइल्स, है ना, आर ईच अदर, जो एक दूसरे के सामने इस तरह से लगी हुई हैं और उसमें एक सेम अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है, तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक साथ लिंक होगा और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या करेगा, क्रिएट आउट कर देगा। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो एक छोटा सा जो कॉइल है, इट इज़ अ बिहेव लाइक ए स्मॉल मैग्नेट, तो इस तरह से बहुत सारे स्मॉल मैग्नेट एक साथ लगे हुए हैं और ये सभी स्मॉल मैग्नेट इधर की तरफ साउथ, इधर की तरफ नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ। तो देखो क्या होता है कि ये जो ये अंदर के जितने भी साउथ या नॉर्थ हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, लिंक कर जाते हैं और अंदर के जितने भी इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल से क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। स्ट्रेट क्यों हो जाएगी, क्योंकि अभी ये नॉर्थ वाले से जो ओरिजिनेट हो रहा है वो साउथ पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ से जो ओरिजिनेट हो रहा है वो साउथ पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। तो बचा कौन सा पोल, बचा इधर वाला पोल और इधर वाला पोल। तो अगर इसको हम कंबाइन करके कुछ इस तरह से हम बना दें तो हमारे पास एक मैग्नेट इस तरह से बन जाता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाला, जिसकी लेंथ यल है और यहाँ पे सोलेनोइड भी क्या है, यल है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जो ये बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को आप बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल होता है, ये बनाया जाता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि फिक्स होते हैं इसलिए आप इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो आपके पास, या इसकी कंस्ट्रक्ट तो कर सकते हैं, बस इसकी इंटेंसिटी को आप जो है इंक्रीज आउट नहीं कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी को आप इंक्रीज आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपके पास सोलेनोइड है, सोलेनोइड में अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते चले जाएं तो आप देखते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज आउट कर जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इन दोनों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई होप बच्चों इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर इसका मैथमेटिकल कंपैरिजन करें, मैथमेटिकल कंपैरिजन करें तो ये जो डाइपोल होता है, डाइपोल का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है या इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है एन आई ए, राइट। और जबकि जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट का जो होता है वो होता है एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम इंटू टू एल, ठीक है, ये होता है। ठीक है, और ये जो स्मॉल m इंटू टू एल है इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या इसको हम इस तरह से लिखते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो आई मीन कि दोनों के पास क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। अगर दोनों के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है अपना अपना, हाँकि वो अलग है क्योंकि इसमें जो स्ट्रेंथ होगी या ट्यूएल जो होगी वो तो फिक्स होगी ना, अगर फिक्स होगी तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी फिक्स होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें सोलेनोइड के केस में, तो सोलेनोइड के केस में नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड कर रहा है, आप नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाते जाओ या करंट को बढ़ा दो या उसके एरिया को बढ़ा दो, आप देखोगे कि उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, चेंज आउट हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सी चीज़ है जो आपको समझनी है कि डायपोल मोमेंट जो है मैग्नेट का क्या होता है और डायपोल मोमेंट जो है आपका सोलेनोइड का क्या होता है। दोनों के लिए डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। हाँ, यहाँ से जो बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है ये हमें बताता है कि इसका जो डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन जो सोलेनोइड होगा, सोलेनोइड का डायपोल मोमेंट डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ टर्न पर, उसमें करंट में, एरिया पे, आप उसे बढ़ाते जाएं वो वैल्यू क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। अब इसमें
में एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसके पैटर्न को अगर थोड़ा सा चेंज करेगा, इसके पैटर्न को हम ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि दोनों का पैटर्न भी एक जैसा होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो अगर ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो इधर की तरफ साउथ पोल और इधर की तरफ नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, तो लाइंस ऐसे ओरिजिनेट होंगी और जाकर के यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ से ऐसे बनाना चाहूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो है कॉन्सेप्ट जो है मैं इस तरह से बना सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं बार मैग्नेट के लिए बनाऊँ तो बार मैग्नेट के लिए भी यही सेम कॉन्सेप्ट जो है यूज़ में आएगा। तो आप देखेंगे दोनों का पैटर्न क्या है, ये सेम है। तो इस तरह से बहुत सारी सिमिलरिटीज़ इनके बीच में है, आप इनके बीच में सिमिलरिटीज़ को देख सकते हैं। ओके, सो इसका डिस्क्रिप्शन आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप नोट्स को पढ़ें और उसके डिस्क्रिप्शन को देखें कि क्या डिस्क्रिप्शन है। तो लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि सिन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बार मैग्नेट as well as solenoid are the same, they have the dipole moment, they have the dipole, they have the pole, so therefore we can say that ki bar magnet jo hota hai wo kiski tarah kaam karta hai, it is behave like a bar magnet, solenoid behave like a solenoid, ya keh sakte hain solenoid bar magnet ki tarah kaam karta hai, ya bar magnet kiski tarah kaam karta hai, solenoid ki tarah kaam karta hai। theek hai, I hope itni baat aapke samajh mein aa gayi hogi। ab hum log aage thoda sa padhte hain aur isse bache hue topics ko discuss karte hain। theek hai, ab hum log thoda baat kar lete hain ki magnetic field lines kya hoti hain, wahan par bhi magnetic field lines aapne discuss kiya tha। to magnetic field lines basically kya hoti hain ki jab aap kisi bhi magnet ko hang karte ho ya kisi bhi magnet ke along aap kisi ek magnetic compass ko rakhte ho। theek hai, dhyan se samajhna meri baat ko, आपने ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है, आपने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था कि ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी मैग्नेट या किसी भी कॉइल के चारों तरफ फैली हुई होती हैं और उसमें आपने पैटर्न बनाया था। तो हम लोग यहाँ पर एक मैग्नेट के अलॉन्ग भी क्या करते हैं, पैटर्न को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, हमने एक मैग्नेटिक कंपस लिया और मैग्नेटिक कंपस को हमने अलग अलग पोजिशंस में रखा। ठीक है, जब हमने इसको अलग अलग पोजीशंस में रखा तो हमें इसका एक क्या मिला, कर्व मिला, एक क्लोज फॉर्मेशन मिला। तो हम देखते हैं कि जो इसका क्लोज का फॉर्मेशन मिला, हमने मैग्नेटिक नील की डायरेक्शन में ड्रॉ किया, तो हम देखते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है कुछ इस तरह से निकल करके आती है। ठीक है, इस तरह का सेप बन के आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मतलब हमने मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे रखा तो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हुआ, इधर की तरफ हुआ, इधर की तरफ हुआ, इस तरह से जो है क्लोज लूप के फॉर्म में जो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फॉर्म हुआ और हम इसे मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपने वहाँ भी बताया था, वहाँ आपने इमेजिनरी कॉन्सेप्ट समझाया था, यहाँ पर आप फिजिकली समझा रहे हैं। तो फिजिकली बेटा ये है कि दोनों में थोड़ा बहुत तो अंतर है, एक मटीरियल है, ये मटेरियल है, जबकि वो भी क्या है, मटेरियल, लेकिन उसमें करंट की वजह से हो रहा है। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फिक्स है और उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेरिएबल है ऑन द बेसिस ऑफ करंट एंड डिफरेंट थिंग, लेकिन बात एक ही है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, बट यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। और डिफाइन इसको हम कैसे कह रहे हैं, तो इसको हम डिफाइन करने के लिए डिफिनेशन आपको बता रहे हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज द पाथ अलॉन्ग विच एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल विल टेंड्स टू मूव इफ दे आर फ्री टू डू, सो therefore वी कैन से दैट द आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आता है कि अगर हमने एक मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट को एक मैग्नेटिक कंपस लिया और इस मैग्नेटिक कंपस को अलग अलग पोजिशंस में रखा, तो हम देखते हैं उसकी निडल जो है इस अलॉन्ग जो है इस तरह से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्शन होती है। तो हमने इसकी चारों तरफ पैटर्न बना दिया। एक छोटी सी एक्टिविटी भी जो है आपकी क्लास में दी हुई है, अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो मैग्नेटिक आयरन के हम जो है छोटे छोटे स्प्रिंगल्स लेते हैं और उसे एक पेपर के ऊपर रख करके नीचे एक मैग्नेट लगा देते हैं और धीरे धीरे उसको हिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो आयरन की नेल्स हैं वो कुछ इस पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं, है ना। तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को मैग्नेटिक मैग्नेट की हेल्प से देख सकते हैं। आप आयरन की नेल्स लीजिए, उसे आप क्या करें, उसे आप एक पेपर पे रख लें और नीचे एक मैग्नेट लगा करके धीरे धीरे उसे सेक करें, तो आप देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक नेल्स होती हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या होता है। अब इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है, अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, क्राउडिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गिव द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अगर जहाँ पर क्राउडिंग ज्यादा होगी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा होगी वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और मैंने आपको बताया था किसी भी मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है उसके पोल पे होती है, क्योंकि पोल के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग बहुत ज्यादा होती है। यहां पे क्राउडिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर
किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, किधर से किधर की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अगर आपने इस तरह से ड्रॉ कर दिया तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन मिल जाएगी। फिर कुछ इसी तरीके से है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करने पर क्या होगा, वहाँ पर उसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, हम इसको समझा सकते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगला पॉइंट ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं दे फॉर्म द क्लोज लूप। वो क्या करती हैं, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं। क्लोज मतलब उनकी जो लाइंस होती हैं वो क्लोज होती हैं। क्लोज क्यों होती है, इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि ये जो मैग्नेट होता है इसके नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, ये अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, इनका अलग अलग अस्तित्व नहीं होता, ये एक साथ ही होते हैं। जहाँ पे नॉर्थ होगा वहाँ पे साउथ भी होगा, राइट। अब इसमें आपने एक पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी जो है क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, बिकॉज ऑफ कि चार्ज इंडिविजुअल लेस रह सकता है। एक पॉजिटिव चार्ज का अपना एक अस्तित्व है, नेगेटिव चार्ज का अपना एक अस्तित्व है, लेकिन जब आप मैग्नेटिक की बात करते हैं, मैग्नेटिक पोल्स की बात करते हैं, तो जहाँ पे नॉर्थ पोल होगा वहाँ पे साउथ पोल भी होगा, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो नॉर्थ से लाइन अगर जनरेट हो रही तो साउथ वाला उसे क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। तो हमेशा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं होता। तो कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर इंपॉर्टेंट एंड ऑफनली इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दैट, राइट। नाउ गो टू द नेक्स्ट लेवल, एंड इन द नेक्स्ट लेवल वी आर गोइंग टू डिस्कस गॉस लॉ इन द मैग्नेटिज्म, जिसको हम मैक्सवेल का सेकंड रूल भी कहते हैं। मैक्सवेल का सेकंड रूल क्या कहता है, मैक्सवेल का सेकंड रूल ये कहता है कि क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, राइट। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक मैग्नेट है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसके चारों तरफ एक आप क्लोज लूप कंसीडर कर लो, तो इससे लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होगा, क्योंकि इससे कोई लाइन लिंक ही नहीं होगी। क्यों नहीं लिंक होगी, क्योंकि नॉर्थ से निकला और साउथ पे जाके टर्मिनेट हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो कभी जो है वो लिंक ही नहीं होगी। दिस इज वाई सोज दैट द सर्फेस इंटीग्रल, दैट इज द क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस, द सर्फेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, एंड दिस इज नोन एज द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इसे क्या कहते हैं हम, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, दिस इज नोन एज द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है बेटा। तो एक बात समझ में आती है कि जो सरफेस इंटीग्रल है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का वो हमेशा जीरो होगा। जीरो क्यों होगा ये मैंने आपको समझाया, क्योंकि पोल्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, आइसोलेट नहीं होते हैं, इसलिए सरफेस के साथ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं होगा। दिस इज वाई सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज नोन एज द गॉस लॉ इन द मैग्नेटोस्टैटिक, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द मैक्सवेल।